तो परमात्मा की जो प्राप्ति है ये हमने पा लिया परमात्मा, ये निरंकार। कहते परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। कहने के तो हम बहुत ही आसान सरल भाषा में हमने ये परमात्मा निरंकार को पा लिया है, सद्गुरु ने ये दिव्य चक्षु से जो हमें ये परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं, ये काफ़ी नहीं है। कि परमात्मा की प्राप्ति किसे होती है, परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है, ये एक सच्ची घटना अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगी कि वास्तव में कि हमने परमात्मा पाया है या नहीं पाया, या हम भ्रम में पड़े हुए हैं। ये हमारा भ्रम है, इस निरंकार को जो हमने पा लिया है, हमने देख लिया है, तो ये वास्तव में कि ये सच्चाई है या हमारा भ्रम है। अभी देखा जाए बहुत से ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं कि ऐसे परमात्मा को हम पा सकते हैं, कि जैसे कि सत्संग का भी समय हो रहा है, और जैसे मैं ही दुकान पे बैठा हूँ, अब 6:30 से 8 का सत्संग का समय हो गया, सोचा कि 7 बजे चलेंगे, 6:30 बज गया, चला गया समय, 7 बज गया, 7 से 7:30 के बीच पहुँच जाएंगे, वचन मिल जाएंगे, और 7 बजते ही ग्राहक आ जाते हैं तो 7:30 तो वैसे ही बच जाता है। अब 7:30 जब बच गया तो वचन का समय भी ख़त्म हो गया, मंगलाचरण हो गया, अब क्या करने जाएंगे, चलो कल संगत चले जाएंगे। तो ऐसे क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे? बहुत से ऐसे संत महात्मा बहुत से काम करते हैं कि चलो ग्राहक आ गए, कोई काम पड़ गया संगत के समय, चलो ठीक है थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर तक करते करते सत्संग का समय ही निकल जाता है। तो ऐसे क्या परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा? किसी चीज़ को देख लेना, उसको पा लेना, जमीन आसमान का फर्क है। इस परमात्मा को सिर्फ अभी हमने देखा है, इस निरंकार को सिर्फ देखा है, इसको हासिल नहीं किया है। सद्गुरु के दर्शन किए हैं, सद्गुरु की कृपा के पात्र बने हैं, मगर सद्गुरु के लायक जो सद्गुरु हमें चाहता कि हमें क्या बनना है, वो अभी हम नहीं बन पाए। तो एक सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची घटना कि परमात्मा किसे प्राप्त हुआ है, कैसे, आप एक एक शब्द सुनने लायक है। ये कोई इधर उधर की कहानी नहीं, बहुत ही सच्ची कहानी घटना है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, और एक एक शब्द सुनने लायक है। जो भी वीडियो देख रहा पूरा ध्यान से सुनना कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता, परमात्मा किसको प्राप्त होता है, परमात्मा के प्रति जिसका समर्पण है कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस कहानी में, इस सच्चाई में, सच्ची घटना में सब कुछ आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो पूरा देखें। सभी निरंकारी संत महात्मा बहन भाई माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी, जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते वीडियो को शुरू करते, एक एक बात बताता हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। तो एक ऐसी कहानी कि परमात्मा किसे प्राप्त हो सकता है, एक कहानी सुनाता मैं आपको, बहुत ही सच्ची कहानी है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने वास्तव में परमात्मा को प्राप्त किया है निरंकार को, या हम अभी भ्रमित हैं, या हम भ्रम में पड़े हैं, हमने देखा है या हमने पा लिया है। अभी आपके सारे जो भ्रम हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं आपको बताते। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वश एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने ईष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था और याद करता था। एक दिन ईष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, बड़े ध्यान से सुनने वाली है, दर्शन दिए तथा कहा, राजा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है, फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को आप दर्शन देके उनको धन्य कीजिए। ये तो संभव नहीं है, ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया। परंतु राजा को चाहने वाला, प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान से जिद करने लगा
आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। कहते भक्त बहुत बड़ा होता है, भक्ति में सच्चाई है तुम। और वे बोले ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है, समझ आ जाएगा कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है या देखा है। देख लेना और पा लेना जमीन आसमान का फर्क है, एक एक शब्द सुनने लायक है। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाने के बाद दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजन अपने परिवार मित्रों को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते देखो अब यहाँ से क्या शुरू होता है, अब जरा ध्यान से सुनने लायक है कि यहाँ से क्या शुरू होता है कि हम लोग भ्रमित हैं, हम लोगों ने पा लिया है या हम लोगों ने देख लिया। कि रास्ते में चलते चलते एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ दिखा, तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सभी को सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे पहले ये सिक्कों को समेट ले भगवान से, तो फिर कभी मिल ही लेंगे। समझ रहे ना, पहले काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सत्संग तो हम कर लेंगे, कल भी होता है, सत्संग तो रोज ही होता है, कोई बात नहीं, मंगलाचरण होगा, वचन सुन रहे हैं, नमस्कारी बात हम कर ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। सतगुरु के दर्शन तो होते रहते हैं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, बुराड़ी में नहीं तो समालका में हो जाएंगे, द्वारका में तो नहीं यहाँ हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, मगर ये मौका बार बार नहीं। एक ग्राहक आ गया, कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, प्लॉट देखने आ गया, अरे प्लॉट दिखा दो, सत्संग तो कल कर लेंगे, सेवा तो हम करते रहते हैं, ऐसी सेवा हमें जो मिली है ये मत गमाओ, ये हाथ से चली गई तो क्या, भगवान तो हमें रोज ही मिलते हैं, सत्संग तो हम रोज ही करते हैं, सेवा रोज मिलती है, ऐसे बहुत सारे वचन है हमारे सामने। तो आगे क्या कहते हैं, इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। बड़े ध्यान से सुनना, सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा जनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए। अब यार ध्यान से सुनना, राजा और रानी शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी लोग हैं, ये लोग भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया, हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बहने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु
हीरो के प्रति तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को अत्यंत ही ग्लानी हुई और विरक्त हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानी से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही सब कार्यों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ओम शांति। तो यहाँ तक कि जो कहानी जिसने भी सुनी है उनको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमने परमात्मा पा लिया है। पाया नहीं है, सिर्फ देखा है, दिखाया है, इसकी पहचान हुई हमें, अभी इसे पाया नहीं। अगर हम इसे पा लेंगे तो दुनियादारी भूल जाएंगे। दुनियादारी नहीं, क्योंकि दुनिया में रहेंगे तो दुनियादारी हम भूल नहीं सकते। हम अपने आप को नहीं भूल सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूल सकते, अपने बच्चों को नहीं भूल सकते, अपने खानदान परिवार को नहीं भूल सकते, हम किसी को भी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर हम इसमें दुनिया में रहके भी कहते इनसे लालच ना करें, मोह माया से परे हो जाएं, कहते सब कुछ भगवान को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अभी जरा सोच के देखें, जिन भी हमारे निरंकारी संत महात्मा, और देखा हमने बहुत से, हमारे सामने ऐसे भी दृष्टांत आए हैं कि संगत का समय हो रहा है तो पता चलता है कोई काम आ गया, वहाँ चले गए, तो ऐसा होता है। तो कहते कि जब पूरी तरह से हम इस पर समर्पण हो जाएंगे, कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, हम इसमें पूरी तरह से जब तक हम मिल नहीं जाते। अभी हमने देखा कि परमात्मा निरंकार सद्गुरु ने हमें ये परमात्मा दिखाया है, सिर्फ अभी हमें ये मिला नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती। कीमत क्या है हमें पता है। जब तक हम अब इसमें मोह माया में लालच से पड़े रहेंगे, सत्संग का समय हो रहा है, सत्संग छोड़ देंगे, हम अपनी दुकानदारी में पड़े रहेंगे, कोई काम आ गया, रिश्तेदार अचानक आ गया, और रिश्तेदार आया है वो नहीं जाएगा, मगर सत्संग की जो घड़ी है डेढ़ घंटे की वो चली जाएगी, दोबारा जो वचन आए वो दोबारा नहीं मिलेंगे। पता नहीं कौन सा वचन ऐसा है तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे, वो वचन निकल गया, आपके कानों तक नहीं पड़ा, आपके जहन में नहीं गया। तो ये सब वचन सुनने लायक जो है हमने नहीं सुने, तो हम ये सब कुछ गंवाते जा रहे हैं। किस लिए गंवा रहे हैं? क्योंकि हमें मोह माया पड़ा हुआ है, हमारा जीव जो है ये सारी दुनियावी पदार्थों में सुख, भौतिक सुखों की लत लगी हुई है। इसीलिए हम अगर चाहें और चाहकर भी कुछ करना पाए, जैसे कि हम सत्संग जाना चाहते हैं, एक बार भी मन में अगर खटाश आ गई, यार देखेंगे सत्संग, समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, तो हम नहीं जा पाते हैं। अगर हम